टीम क्वेसो के बीच में फाइट में टीम सोल ने एक अच्छा खासा एक यू फॉर्मेशन बना लिया, चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे टेट को स्पॉट करते हुए रेगल टॉस यहाँ पे शॉट्स लेते हुए ऑलमोस्ट यहाँ पे 50 एचपी पे उनको ले आए हैं। यहाँ पे रेगल टॉस का बहुत ही खराब डिसीजन ओपन से मॉलोटोव करने का, यहाँ पे रेगल टॉस नॉक एंड फिनिश होंगे। बहुत बहुत खराब डिसीजन था ये उनका टीम कैसो के आगे, जब उनको पता है सामने एक प्लेयर जिनके पास रिच एडवांटेज है ओपन से मॉली करने की कोशिश यू नो कंप्लीटली बैकफायर्ड। मीनवाइल वहां पे फनेटिक के रौनक को कार बस में 4 AM के सुक ने फिनिश कर दिया। एग्जैक्टली यूज होता है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे रिजेस रहती है वो ऑफ टेरेन रिजेस के साथ आई थिंक बगी बहुत ही फ्रूटफुल यूज होता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कितना कोऑर्डिनेटेड टैप्स है यहाँ पे 4M के स्वानो का इंस्टेंटली स्विच ओवर करते हुए स्प्रे की तरफ, यहाँ पे स्प्रे डाउन करते हुए यूडू के फ्रेडो की तरफ, बट यहाँ पे शॉट्स जो है कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे आई थिंक हेड शॉट लगा जिसके कारण काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं यहाँ पे यूडू के फ्रेडो। यूडू के फ्रेडो यहाँ पे नॉक एंड फिनिश होंगे। आई थिंक ये 4M ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज किया यहाँ पे, उन्होंने यूडो को थोड़ा देर होल्ड किया पर उन्होंने रोटेशन उनसे पहले किया और उनके आगे के तरफ जाके उनको ब्लॉक किया, उन्होंने कार बस में फिनिश ऑफ किया था दो प्लेयर्स को। यहाँ पे आयला ट्रबल में एंड डैमेज लिया बट एंड वहां पे जीने का हसाकी ने उनको कार बस में फिनिश ऑफ किया। टीम कैसे ट्रबल में आ चुके क्योंकि उनके पास कोई कवर नहीं है एंड वहां पे पानी का सहारा लेना पड़ रहा है, पानी का सहारा लेना पड़ रहा है, मतलब वो काफी ज्यादा खतरे में। वहां पे टेट भी एंड टेट को भी स्वेनोवो ने कार बस में फिनिश ऑफ किया। आई थिंक टीम कैसो के लिए काफी ज्यादा ट्रबल, काफी ज्यादा दिक्कत वहां पे। डेक्सी स्पॉट अगर हो गया तो स्वेनोवो अपने मिनी फोटिजन को छोड़ेंगे नहीं, और सुक भी अगर यू नो उनके साथ स्प्रे लेते हैं देन हमने देखा सुक कितना प्यारा यूज करते हैं। सुक यहाँ पे आ चुका ऑलरेडी नाम लेती एंड यहाँ पे अभी लोग पूरा पुश करना चाहेंगे, पूरा अग्रेसिव हो जाएंगे टूवर्ड्स टीम कैसो बिकॉज उनको यहाँ पे ऑलरेडी 7 किल मिल चुके हैं, 2 किल और उनके सामने मुझे दिख रही है। स्पॉट आउट करने की कोशिश करेंगे टैक्सी को जब इंस्टेंटली यहाँ से पानी से निकले, जब भी उनका हेड पॉप होगा इंस्टेंटली उनके ऊपर शॉट्स लेंगे एंड उनको फिनिश ऑफ करके वो स्क्वाड जो है वाइप आउट करना चाहेंगे। एंड जो पॉइंट्स उनको मिल रहे हैं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है टीम 4M के लिए क्योंकि बहुत ही क्लोज कट कंपटीशन चल रहा है उनका विद XQF एंड C9 कुछ ज्यादा एक्टिव हमें दिखे नहीं जनरली ऐसे। अब वहां पे ऑरेंज के फायर ने ऑस्टिन एक्स को फिनिश ऑफ किया, SG डाउन टू 3 मैन, फनेटिक डाउन टू 3 मैन, सोल डाउन टू 2 मैन एंड अभी भी 15 टीम्स 49 प्लेयर्स हमारे साथ जुड़े हैं। भाई नंबर 6 बिल्कुल आपस अगल बगल में देखने को मिल रहा है हम लोग को मिनी मैप में, यहाँ पे जंप स्प्रे डाउन करने की कोशिश करेंगे टीम क्वेसो के मार्को के ऊपर एंड मान तरंग ने वहां पे ओवेस को कर दिया है फिनिश। तो टीम फनाटिक और एक लॉस लेती हुई तो आई थिंक टीम फनाटिक इज डाउन टू द 2 मैन एंड जंपर का यहाँ पे नेड से फिनिश ऑफ करते हुए ट्विन क्वेसो के मार्को को एंड मॉक्सिन ने वहां पे किट्सुने को कर दिया है फिनिश विद हिज DMR। पूल बॉय ने और एक नेड से यूडो के ड्रेक्स को नॉक किया। एग्जैक्टली कि यहाँ पे अभी यूटिलिटीज का जिस प्रकार से यूज कर टीम इज काइंड ऑफ यू नो वर्थ कमेंडिंग एंड यहाँ पे नेड्स डाल रहे, नॉक कर रहे, इंस्टेंटली पुश इन कर रहे हैं विच इज अ वेरी गुड थिंग दैट वी हैव बीन ऑब्जर्विंग। एंड यहाँ पे ऑलरेडी नॉक हो आई थिंक जिनिया ने एक बंदे को नॉक कर दिया फायर को, स्काउट वहां पे फिनिश हो चुके ऑर्डर के द्वारा, स्पेक वहां पे नेट से नॉक करते हुए, जूटे ने खुद को ही नेट से फिनिश कर दिया, डार्ली हाउएवर नॉकिंग डाउन पायरा बॉय, बट जीने यहाँ पे पॉफ पॉफ को स्पॉट आउट करते हुए उनके ऊपर शॉट्स लेते हुए देखते हैं नॉक कर पाएंगे, बहुत ही बेहतरीन नॉक इसी के साथ टीम ऑरेंज को वाइप आउट करती हुई टीम 4M। एक बंदा बचा है, सोल यहाँ पे एलिमिनेट हो चुकी है 10वें स्पॉट पे, सारे प्लेयर्स अलाइव है एंड यहाँ पे 4AM ने पुश किया 50 के टाका पे, 4AM के प्लेयर्स 15 किल्स ऑलरेडी ले चुके, अभी भी 24 प्लेयर बचे हैं। आई डोंट नो कितना किल्स का ये गेम बनेगा उनका, ऑलरेडी 15 किल, 7 टीम्स अभी बचे हैं, दिस इज अ गुड 7 टीम्स लेफ्ट, 4v4v3v3v3 सिचुएशन है, मतलब ऑलमोस्ट साइडेड करना, पर डार्ली का बहुत ही प्यार नेट जिन्हाई को जिने को नॉक करने के लिए, बट आई एम नॉट रियली श्योर कि वो पुश करना चाहेंगे या नहीं कहेंगे बिकॉज 4AM के बाकी प्लेयर्स क्लोजिंग करते हुए C9 भी काफी ज्यादा करीब है। 4AM वर्सेस FFQ वर्सेस C9, पीछे से SG की टीम आ रही है, SG कैन मेक अ मैसिव एडवांटेज, चल लूट ले आते हैं 4AM एंड यहां पे बियोवुल्फ डेफिनेटली ऑफ गार्ड पकड़े जाएंगे एंड यहां पे सोनोवो का अगर एक नेट भी आता है स्वेनोवो का तो कोई बड़ी बात नहीं, आसाकी ने वहां पे वेनम को पिक ऑफ किया 7 नंबर पे, मेगा एलिमिनेट होते हुए हम आ चुके हैं लास्ट 6 टीम 20 प्लेयर अलाइव है। 4AM 18 किल पॉइंट ऑलरेडी ले चुके, XQF के पास 9 पॉइंट, DKG के पास 3 पॉइंट एंड यहाँ पे सिनर्जी भी बहुत ही अच्छे स्पॉट से एलिमिनेट होते हुए 4AM के सारे पिकअप करते।
सकते। 4 AM ऑलरेडी सिटिंग देयर विद 21 किल पॉइंट्स। अगर उनको एक चिकन डिनर मिलता है, आई डोंट नो कितना मैसिव लीड लेके उन लोग एक्सक्यूब, बट द पॉइंट इज एक्सक्यूब वर्सेस 4 AM द फाइट दैट वी आर वेटिंग फॉर। ऑर्डर ने वहां पे नॉक किया जिने को, एंड यहां पे ऑर्डर पुश करने की कोशिश कर रहा है हसाकी के ऊपर, एंड आई गेस हसाकी यहां पे पिकअप हो गया। बहुत ही प्यारा प्रीफायर लेने की कोशिश, एफपीपी में कन्वर्ट किया उन्होंने अपने उसको, एंड यहां पे ऑर्डर समा बच गया, एंड ऑर्डर गेट्स नॉक्ड वहां पे 4 AM एक्सक्यूब के पैरा बॉय आते हुए हसाकी को पिकअप करेंगे, एंड यहां पे 4 AM के दो प्लेयर्स डाउन है। यहां पे सोनोबो को आना होगा, उनकी जो स्टार असॉल्टर है, बिकॉज 4 AM इज इन अ लॉट ऑफ ट्रबल। 22 पॉइंट्स हालांकि उनके पास है। यहां पे एक नेड आता है पीछे से, कूल बॉय जीबी पैरा बॉय तीनों पुश करते हुए, पैरा बॉय को नॉक किया, कूल बॉय नीचे से लेफ्ट साइड से आ रहा है, आई डोंट नो सोनोबो देखा इन देखा सुख भी बचा है, सो इट्स अ 4v2 सिचुएशन। जीबी को नॉक किया लेफ्ट से कूल बॉय आते हुए, एंड अगर यहां पे 4 AM ये क्लच कर लेता तो इट वुड हैव बीन नेक्स्ट लेवल थिंग, बट देन स्टिल 23 किल पॉइंट्स उनके पास, कुछ 10 या 8 उनके पास सर्वाइवल पॉइंट्स रहेंगे, दे स्टिल हैव अ गुड ह्यूज मैसिव लीड। एंड यहां पे क्लाउड 9 लुक्स लाइक दे आर गोइंग फॉर अनदर चिकन, और मे बी डीकेजी ने लास्ट गेम में अपॉर्चुनिटी मिस की थी, इस बार वो नहीं करना चाहिए। इट्स अ 3v3v1 सिचुएशन, डीकेजी यहां पे कूल बॉय पे घुसते हुए, एंड इट्स नाउ डाउन टू 3v3, C9 वर्सेस डीकेजी, डीकेजी टेकिंग डाउन पीरा, टेकिंग डाउन अनइवन, टेकिंग डाउन ब्लू वुल्फ, एंड आई थिंक डीकेजी इज हेडेड फॉर अ चिकन डिनर विद 8 किल्स। इनको मिलेगा 29 points if they knock out Pyra, sorry 25 points if they knock out Pyra, and yahan pe ek nade aata hai, I think it's a 3v1 situation, to in logo ko pata hai ye baat, they are just gonna push in, move in, and gonna try to take out the entire team yahan pe DKG ke taraf se, matlab pura game badla gaya hai, you know if you see kis tarah se 4am aur xio dominate karti out of nowhere, DKG I and they third party everyone, and they went for that chicken dinner yahan pe Pyra trying still trying ki you know apni DKG push nahi kar rahi, why is that, and yahan pe ye nade se Pyra definitely finish up hote hain, we are coming up with DKG coming up with another chicken dinner and a great gameplay by all the three Chinese DKG XQF and